हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद पूनम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको घर पे ही आसानी से पनीर बनाना बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने दूध लिया हुआ है और इसे गरम कर लेंगे। इसे अधिक बॉईल नहीं करना है, बस गरम करना है। दूध गरम हो चुका है और यहाँ पर मैंने एक नींबू लिया है उसका रस और इसे पानी में मिक्स कर दिया है। अब इस दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे चलाते रहेंगे। गैस को बंद कर देना है। अगर एक नींबू से आपका दूध नहीं फटता है तो आप दो नींबू इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे कंटिन्यू चलाते रहें। आप देख रहे हैं कि दूध फटना शुरू हो गया है। मैंने यहाँ पे कटोरी के ऊपर छन्नी रख दिया है, इसके ऊपर आप कपड़ा रख दें और इसे छान लेंगे। इस कपड़े में से सारा पानी निकाल लेंगे। आप इसके ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दें ताकि इसमें से इसका खट्टापन निकल जाए। और इसे आप दबा दबा के सारा पानी इसका निकाल लें। और आप चाहें तो बचा हुआ पानी से आप आटा भी गूंथ सकते हैं। इसका पानी मैंने निकाल लिया है और इस तरह से एक प्लेट में रख देंगे। इसके ऊपर से एक प्लेट रख दीजिए, कोई भी भारी चीज़ इसके ऊपर, आप चाहे पत्थर या फिर कोई चीज़ रख दें और इसे 4 से 5 घंटा के लिए छोड़ दें। 4 से 5 घंटा के बाद ये सेट हो जाएगा। मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब ये सेट हो चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही अच्छा से सेट हो चुका है। आप देख रहे हैं घर पे पनीर बनाना कितना आसान है। मैं इसे कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा पनीर बन के रेडी हो गया है। मैंने सभी को छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आप इसे जैसे चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि पनीर बनाना कितना आसान है, बहुत आसानी से ये घर में बन जाती है। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।